नाम साउंड लर्निंग एकेडमी में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए संधि के वेदों में स्वर संधि के गुण संधि के बारे में, जो हमने पिछले वीडियो में दीर्घ संधि के बारे में बात की थी। आज पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि के याद करने को और उसको समझने के लिए अगर आपने तीन सूत्र याद किए तो आपको गुण संधि अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम बात करें गुण संधि का विधायक सूत्र है अदेंग गुण। अदेंग गुण दूसरा है आदगुण, जो संधि कार्य करता, यह है इसका विधायक सूत्र है, और यह आदगुण जो संधि कार्य करता है। तीसरी है पूर्ण रपण। पूर्ण रपण गुण संधि को समझने के लिए ये तीनों सूत्र काम में लिए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करें गुण संधि के विधायक सूत्रों में। अदेंग गुण का होता है अद एंग गुण स्यात्। अर्थात गुण संधि वहां पे होगी जहां पे अ ए ओ होगा, ये वर्णों, इन तीनों वर्णों की गुण संधि होगी अ ए ओ। ये सूत्र अपने का कहता है अध्ययन गुण में, जहां पे ये तीनों वर्ण आएंगे वहां पे आपकी गुण संधि होगी। बात करते हैं हम नेक्स्ट आदगुण, जो ये कहता है कि अवर्णाद अवर्णाद अचि परे पूर्व परयो एकादेश सात संहितायाम। क्या कह रहा है कि अवर्णा अचि परे, अवर्ण अच परे रहने को अवर्ण होना चाहिए, अ हो या आ, प्लस किस तरफ अच परे। अब अच में जो वर्ण होंगे वो होंगे ई उ री उल्री, प्लस के इस तरफ पूर्व में अ और आ होगा, और पर में स्वर में बड़ी दीर्घ भी हो सकती है और ह्रस्व ई भी हो सकती है, ये चारों वर्ण होंगे पूर्व पर दोनों इस पर। तो एकादेश या क्या होगा, एकादेश का मतलब कि जैसे अ या आ और ई मिलेंगे दोनों, तो क्या हो जाएगा आपका ए बन जाएगा, और अ आ और उ मिलाओगे तो आपका बनेगा ओ। इसी तरह अ या आ मिलकर अगर री बनेगा तो आपका बनेगा अर। ये दोस्तों किससे बनेगा, पूर्ण रपण जो सूत्र है इस कारण से इस री को अर आदेश हो जाता। क्या होता है, इस पूर्ण रपण सूत्र से री को अर आदेश होता है, और री मिलेगा तो अल हो जाएगा। क्या हो जाएगा अल, ये भी इसी सूत्र से चलता है पूर्ण रपण से। ये है संधि की पहचान। अगर आपने गुण संधि में इस फॉर्मूले को सूत्र को समझ लिया तो आपको गुण संधि की कोई शब्द मिस्टेक नहीं होगी। जैसे हम बात करते हैं संधि की पहचान में गुण संधि की, गुण संधि पहचान, तो ऐसे शब्द जहां पे ए की मात्रा हो ओ की मात्रा हो और शब्द में अर मिला हुआ, जैसे शब्द है सुरेश, यहां पे देखो सुरेश में ए की मात्रा, तो यहां पे डेफिनेटली गुण संधि है। जैसे शब्द है परोपकार, यहां पे देखो इस र में ओ मिला हुआ है तो यहां पर भी गुण संधि होगी, क्योंकि पहचान क्या है कि ऐसे वर्ण जिसमें ओ की मात्रा हो और ए की मात्रा हो वहां गुण संधि होगी। जैसे सप्तऋषि, तो यहां पे देखो अर, त में अ मिला हुआ है और शी में र मिला हुआ है तो क्या हुआ अर। तो ऐसे शब्द जिसमें ये तीनों वर्ण हो, और ये अल बहुत ही कम आता है संस्कृत में, अधिकतर होता है जैसे तवलकार शब्द है,
देखो जिसमें व और ल, आधा ल और अ मिला हुआ। तो इस तरह गुण संधि की आप पहचान कर सकते हो गुण संधि में कहां हो रही है। गुण संधि के देखो सूत्र देखते हैं, सूत्र के अकॉर्डिंग जैसे मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, जैसे अ या आ प्लस के इस तरफ पूर्व के पैर और इधर होगा ई उ और री, ये तीनों वर्ण हो तो इनकी तीनों की जगह आपको क्या करना, जैसे ये इन दोनों को मिलाओगे तो ए बनेगा और इन दोनों को मिलाओगे तो ओ बनेगा और इन तीनों को मिलाओ इन दोनों को री को तो अर बनेगा। तो इस तरह आपके सामने ये चिन्ह आएंगे। जैसे आप सब देखते हैं महेश, हमने बात की थी कि ऐसे शब्द जिसमें एक ही मात्रा, जैसे इसमें देखो महेश में ह में एक ही मात्रा, तो यहां पे गुण संधि कैसे कि किससे मिलकर बना आपका ए अ और ई से। तो देखते हैं मह शब्द होता नहीं है, शब्द होता है महा, तो यहां पूर्व में क्या आ गया आपका आ में से आ गया प्लस अब ए की बात कर रहे तो इन दोनों में से ई आएगा, तो आपकी ई कौन सी होगी बड़ी वाली, इस शब्द में ई बड़ी होती तो ईश महा प्लस ईश, इस तरह आपका संधि विच्छेद हुआ। ऐसे शब्द है महेंद्र, ठीक है यहां पे है में ए मिला हुआ तो आपको पता है किससे मिलकर बना अ या आ प्लस ई से मिलकर बना, तो यहां पे देखो मह नहीं होगा हा होगा महा प्लस इंद्र। अब देखो पूर्व में यहां पे क्या आपका ह में आ मिला हुआ है और इंद्र में प्रथम वर्ण क्या है आपका ई, इन दोनों को आप मिलाओगे क्या बनेगा ए, तो यहां पे क्या आ जाएगा जहां से ह में से आ निकला तो मह आधा बचा और इसमें ए मिल जाएगा तो शब्द क्या बनेगा महे, और आपका जो लास्ट में जो शब्द बचा इंद्र तो महेंद्र शब्द बना। ठीक है अब समझते हैं इसका ओ का, जैसे शब्द है सर्वोदय, अब आपको पता है कि शब्द में ओ की मात्रा यहां पे है और आपको पता है ओ किससे मिलकर बना है अ प्लस उ से, तो यहां पे इसमें से स्वर बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा सर्व आधा और दय, ये शब्द बचा। अब आपको करना है क्या है कि ओ आपको पता है ये इन दोनों से मिलकर बना, तो आप प्लस के इस तरह उ रखा और इधर अ मिलाया तो क्या बना सर्व। अब वापस इसको मैं अगर व में से अ निकला बाहर वापस और इधर उ तो बन के क्या है आपके सामने ओ, तो सर्वोदय शब्द बना। इसी तरह जैसे महोदय, यहां पे देखो ओ है, ओ बाहर निकला स्वर बाहर निकला शब्द क्या बचा हलन प्लस दय। अब आपको पता ओ किससे मिलकर बना और उसे, तो अ इधर मिलेगा या आ मिलेगा आपको पता मह शब्द नहीं होता महा होता तो आपका क्या हो जाएगा महा और उ तो उदय। तो इस तरह आपका संधि विच्छेद हो सकता है आराम से। बात करते हैं री, री में देखो री मिलकर अ या आ प्लस री, इन दोनों के स्थान पे क्या आएगा आपका अर, जो शब्द है राज ऋषि। अब आपको पता देखो राज ऋषि में इस र आधा ऊपर है और ज में अ मिला तो आपका ये क्या निकल के बाहर आया अर, तो राज शब्द आधा हुआ ज हलन और शी बचा। अब आपको क्या करना है इस अर की जगह आपको क्या करना री लाना, तो री इधर आ गया र का री हुआ और अ है इधर मिला तो राज प्लस ऋषि। शब्द सामर्चा, म में अ है और इधर र है तो शब्द क्या बचा साम म हलंत हुआ और इधर चा बचा। अब अर है आपके पास, ये अ है इधर चला जाएगा तो साम बना शब्द पूरा, म हलंत था जो पूर्व हुआ और र है र का री बना तो री चा तो साम प्लस रीचा। इस तरह आपके गुण संधि के समझ सकते हो उदाहरणों को। अब हम गुण संधि के कुछ एग्जांपल समझते हैं, जैसे ये है
अ प्लस ई से बने जो ए होता है, ठीक है। जैसे आप शब्द में देखो ए मिला हुआ है, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, यथा प्लस इच्छम, आ और ये मिलकर क्या बना आपका ए, ममे मम प्लस ई हा। राकेश शब्द ने राका प्लस इश, उपेंद्र उप प्लस इंद्र, ये सब सेकंड ग्रेड 2014 में पूछा था, उप प्लस इंद्र, गुड़ाकेश गुड़ाका प्लस इश, स्वेच्छा स्व प्लस इच्छा, पुत्रेष्टि पुत्र प्लस इष्टि, और यथेष्टम यथा प्लस इष्टम, दोस्तों ये जितने भी शब्द हैं, अब देखो इनके प्लस के इस तरफ पूर्व में क्या हो रहा है, सॉरी पर में ई मिला हुआ है, सब में ई आ रहा है, यहां पर देखो इष्टम इष्टि इच्छा इश इंद्र यह इच्छम, ये सारे शब्द इसमें पर की तरफ में क्या ई, और पूर्व में देखो अ आ मिला हुआ, जैसे इधर आ है, इधर इसमें अ है, इसमें वापस आ मिला हुआ, इसमें अ है, तो इन दोनों को मिलने से क्या बना, ए बना, तो जहां से स्वर निकला बाहर पूर्व में तो वहां पे ए मिल जाएगा, जैसे था में से आ निकला बाहर तो थे मिल जाएगा, तो क्या होता है यथे छम, मम में ए मिला तो क्या होता है ममेह, राका इसमें आ निकला बाहर, क में ए मिला तो क्या बनेगा राकेश, उपेंद्र इसमें प में ए मिला तो क्या बनेगा उपेंद्र, इसमें कहा आ बाहर निकला और क में क्या मिला आपका ए, तो क्या बनेगा गुड़ाकेश, स्वेच्छा इसमें व में से अ था वो बाहर निकल के क्या निकलेगा ए मिलेगा तो क्या बनेगा स्वेच्छा, तो इस तरह आपके और ई से मिले शब्द गुण संधि को इस तरह से विच्छेद होगा इनका। अब बात करते हैं अ प्लस उ से बने शब्द और उ से ओम बना, जैसे शब्द सूर्योदय, यहां पे देखो ओ यहां पे क्या होगा सूर्य प्लस उदय, सर्वोत्तम शब्द है तो क्या होगा सर्व प्लस उत्तम, सर्वोदय सर्व प्लस उदय, दो बार शब्द आ गया सर्व प्लस उदय, पादोन जैसे पाद प्लस उन, एक पाद कम पादोन, जलोर्मी जल प्लस उर्मी, विद्योत्तमा शब्द है विद्या प्लस उत्तमा, यथोक्तम यथा प्लस उत्तम, शीतोष्णम शब्द है शीत प्लस उष्णम, मोदके मा प्लस उदके शब्द। अब दोस्तों इन सब में प्लस के इस तरफ मतलब कि प्लस के इस तरफ में जो प्रथम वर्ण है उ और जल में अंतिम वर्ण है अ, इन दोनों को मिलके क्या बना ओ, तो यहां पे देखो सब में देखो इधर अ है, इधर भी अ है, इधर भी अ, और पाद में भी अ मिला हुआ, जल में विद्या में आ है, तो प्लस के इस तरफ में अ वर्ण होगा या आ होगा, और प्लस के उस तरफ क्या होगा छोटा हो या बड़ा हो दोनों में से एक होगा, तो इन दोनों को मिलकर एक आदेश होगा, वो क्या होगा आपका ओ, तो जिसे आपके गुण संधि के एग्जाम्पल बनेंगे जैसे सूर्योदय हुआ। अब बात करते हैं री से, अ या आ प्लस री से बने शब्द, इन दोनों को मिला के क्या बनेगा अर बनेगा, क्या बनेगा अर, जैसे देखो इन सारे शब्दों में आपको अर का
ध्वनि सुनाई देगी, जैसे कृष्ण दी में अ है और दी में र ऊपर चला गया तो इसमें अ है, तो शब्द का विच्छेद क्या होगा, कृष्ण प्लस रिधि, अर को क्या बनाना आपको रि, तो रिधि महरदी तो क्या होगा महा प्लस रिधि, सप्तर्षि सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि राज ऋषि तो क्या होगा इसका राज प्लस ऋषि, सीतर तू देखो यहां पे त में अ है और टू में र ऊपर है तो अर आया आपका, तो अर आने का मतलब क्या है यहां पर गुण संधि, तो क्या होगा शीत प्लस ऋतु, वसंत तू तो वसंत प्लस ऋतु, शब्द उत्मर्ण उत्तम प्लस ऋण, शब्द महान ह में अ है र न में र ऊपर अर आ रहा है तो क्या होगा महा प्लस ऋण, ये री किससे हो रहा है आपको बताएं, सूत्र है उरण रफर से, ध्यान देना यहां पे उरण रफर, अगर एग्जाम में पूछ लें कि री किससे किस सूत्र से हुआ, उरण रफर सूत्र से होता है। अब जैसे यहां पर देखो तवलकार शब्द, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा तव प्लस लिकार, तव प्लस लिका और ममकार शब्द होगा मम प्लस लिका, मम प्लस लिका,